hello everyone welcome back to the channel last minute revision with rsm and here i am back with another video so today we are going to have discussion on the head of uh, income tax among the five heads and the head is capital gain so there are total five heads of income which all of you are aware about income from salary income from business profession income from house property income from capital gain and income from other sources तो हमने सैलरी कंप्लीट कर लिया है हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट कर लिया है अदर सोर्सेस काफ़ी सिंपल हेड है तो अभी अगर हम देखें तो कैपिटल गेन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कैपिटल गेन एक्चुअली होता क्या है और कैपिटल गेन के चैप्टर में एम सी करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है बिकॉज अगर देखा जाए तो एम बेस में एग्जाम होने वाला है तो एम को अटैम्प्ट करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान रखना है और वो है चैप्टर का बेस तो आइए शुरू करते हैं कैपिटल गेन क्या होता है अगर हम कैपिटल गेन की बात करें तो अगर हम कैपिटल असेट को ट्रांसफर करते हैं तो उस ट्रांसफर करते वक्त हमें जो भी गेन होगा दैट गेन विल बी कंसिडर एज कैपिटल गेन देखो कैपिटल गेन में कैपिटल असेट की बात की जाती है कैपिटल असेट जो है कैपिटल असेट में कैपिटल असेट में लैंड बिल्डिंग प्रॉपर्टी शेयर्स ये सारी की सारी चीजें कवरअप होती है तो अगर हम बात करें कैपिटल असेट uh, की तो कैपिटल असेट में लैंड आ सकता है बिल्डिंग आ सकता है प्रॉपर्टी आ सकते हैं शेयर्स आ सकते हैं और ये जो प्रीवियस ईयर है आपका प्रीवियस ईयर क्या है हमारा 2019-20 तो प्रीवियस ईयर में अगर आपने कैपिटल असेट को ट्रांसफर किया है ट्रांसफर का मतलब यहाँ पे सेल होता है तो अगर आपने प्रीवियस ईयर में अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया होगा तो वहां से जो भी गेन अराइज होगा दैट विल बी एज कैपिटल गेन लेकिन कैपिटल गेन जो है वो दो टाइप का होता है वो दो टाइप का कैपिटल गेन जो है उसको, उसके बारे में में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे देखो कैसा है है कैपिटल गेन हमेशा दो टाइप डिवाइड किया गया एंड दैट टू टाइप इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऐसे दो टाइप के पॉइंट यहां पे अराइज हुए हैं ध्यान से चेक करो स तरीके से आपको इसको याद रखना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की अगर बात करें तो उसमें भी दो पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को हम एल के बेसिस पे जानेंगे और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को हम एस के बेसिस पे जानेंगे शेयर्स की अगर बात करें तो शेयर्स अगर देखे और शेयर्स अगर लिस्टेड कंपनी का है तो ट्वेल्व मंथ्स का ड्यूरेशन आपको याद रखना है अगर ट्वेल्व मंथ्स के पहले ही आपने शेयर्स को सेल कर दिया तो वहां से जितना भी गेन अराइज होगा दैट गेन विल बी कंसिडर एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड इफ शेयर्स आर हेल्ड फॉर मोर देन वन ईयर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पीरियड ऑफ होल्डिंग फॉर शेयर्स इफ आफ्टर one ईयर यू आर सेलिंग your shares एंड यू आर गेटिंग समथिंग फ्रॉम दैट दैट इज द प्रॉफिट और गेन दैट गेन विल बी considered एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब एक साल से पहले अगर बेच दिया तो उसे हम कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एक साल के बाद अगर भेज दिया तो उसे हम कहेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लेकिन अगर अनलिस्टेड कंपनी की बात करें तो अनलिस्टेड कंपनी है तो अनलिस्टेड कंपनी में 24 मंथ्स का ड्यूरेशन आपको याद रखना है

प्रॉपर्टी या अदर देन शेयर्स की बात करें तो वो है थ्री इयर्स तीन साल तीन साल से पहले अगर प्रॉपर्टी बेच दी तो जितना भी गेन आपको वहां से अराइज होगा दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड अगर आपने तीन साल के बाद प्रॉपर्टी बेच दी मतलब आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग थ्री इयर्स से ज्यादा है तो वहां से जो भी गेन अराइज होगा दैट इज कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इट्स वेरी सिंपल कैपिटल गेन दो पॉइंट्स में डिवाइडेड है वन इज कॉल्ड एज एल टी सी जी अनदर इज कॉल्ड एस एस टी सी जी अगर हम शेयर्स की बात करें तो आपको ट्वेल्व मंथ्स का ड्यूरेशन याद रखना है लिस्टेड कंपनी के लिए और अनलिस्टेड के लिए ट्वेंटी फोर मंथ्स का ड्यूरेशन याद रखना है और अगर हम अदर देन शेयर्स की बात करें तो वहां पर हमको थ्री ईयर्स का ड्यूरेशन याद रखना है थ्री ईयर्स के पहले बेचा तो शॉर्ट टर्म थ्री ईयर्स के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म आगे बढ़ते हैं काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है थोड़ा सा फॉर्मेटिंग भी देख लेंगे कि फॉर्मेट कैसा होता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फॉर्मेट है सबसे पहले हमें लिखना है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन उसमें से माइनस करना है एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर दैट इज ब्रोकरेज कमीशन रजिस्ट्रेशन फीस ऐसे कुछ पॉइंट्स यहाँ तो अभी हम फॉर्मेट देखते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का सबसे पहले आपको लिखना है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में क्या आता है जो भी आपके प्रॉपर्टी या शेयर्स का सेलिंग प्राइस होगा उसमें से हमें माइनस करना है एक्सपेंसिस ऑफ ट्रांसफर एक्सपेंसिस ऑफ ट्रांसफर इज कॉल्ड एज ब्रोकरेज कोई खर्चा होगा जैसे स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फीस जो भी एक्सपेंसिस होंगे वो आपको माइनस करने फिर लेस करना है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजीशन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजीशन में क्या होता है कि आपने जो प्रॉपर्टी परचेस की है उसकी जो परचेस प्राइस है वो उसको उसका इंडेक्सेशन लिया जाएगा और इंडेक्स कैलकुलेशन कैलकुलेट करके वो वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी तो उसका एक फॉर्मूला है वो मैं आपको आगे बताता हूँ नेक्स्ट इज लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अगर आपने प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ एक्सपेंसेस किए हैं तो उसका भी आपको डिडक्शन मिलेगा वो भी आपको माइनस करने है लेकिन जो भी इंप्रूवमेंट्स आपने किए हैं यहाँ पे मैंने लिखा है कि ऑल इंप्रूवमेंट्स मेड आफ्टर फर्स्ट अप्रैल 2001 तो जो भी खर्चे आप इंप्रूवमेंट के बेसिस पे करोगे वो 2001 से पहले अगर किए होंगे तो उसका कोई भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा लेकिन वही खर्चे अगर आपने टू या उसके बाद किए होंगे तो उसका आपको डिडक्शन यहाँ पर मिल सकता है फिर दो पॉइंट्स है एग्जेम्पन आपको मिलता है एग्जाम्शन अंडर सेक्शन फिफ्टी एंड अंडर सेक्शन फिफ्टी ई सेक्शन 54 में अगर आपने न्यू हाउस परचेस किया है तो उसका भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो और 54 फोर इसी में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है कहीं बॉन्ड्स में तो उसका भी आपको डिडक्शन मिलेगा अभी दो फॉर्मूलाज है जो आपके एम सी क्यूज बेस के लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं एंड द फॉर्मूलाज आर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हाउ डू वी कैलकुलेट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन द फार्मूला इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिवाइडेड बाई इंडेक्स ऑफ परचेज ईयर मल्टीप्लाइड बाई इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर ईयर सिंस अवर प्रीवियस ईयर इज टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी तो टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी का जो इन्फ्लेशनरी इंडेक्स है वो है टू एटी नाइन तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन हमेशा टू एटी नाइन के साथ ही होगा सिर्फ इसी साल के लिए सिमिलरली इंडेक्स कॉस्ट ऑफ़ इम्प्रूवमेंट जो है उसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट डिवाइडेड बाय इंडेक्स ऑफ इंप्रूवमेंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर ईयर याद रखना इस चैप्टर में ट्रांसफर का मतलब होता है हमेशा सेल करना तो ट्रांसफर ईयर हमारा कौन सा होगा टू थाउजेंड 20, जो हमारा प्रीवियस ईयर है और जहाँ पे इंडेक्स आपको मैंने अभी बताया टू तो ये आपका बेसिक्स है ऑफ द चैप्टर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके जो बेसिक्स है कैपिटल गेन के वो क्लियर हुए रहेंगे फिर भी अगर आपको कोई स्पेसिफिक डाउट्स है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर ले बिकॉज ऐसे वीडियोज़ इस चैनल पर आते रहेंगे ताकि आपको एम सी क्यूज अटेम्प्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम्स फेस ना हो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर